हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को टू वे स्विच के साथ सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं आज उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ने वाली है टू वे स्विच सीरीज बनाने के लिए बोर्ड। तो दोस्तों हमें एक टू वे स्विच, एक और एक 5-पिन सॉकेट, एक होल्डर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, एक बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो दोस्तों हम बारी बारी से अपने उपकरण को सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब इसका हम कनेक्शन की बारी है, आप कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये जो टू वे स्विच के माध्यम से कनेक्शन बताने चल रहा हूँ। यदि आपको कंटिन्यू प्लग को जला के रखना है तो आप जला सकते हैं और सीरीज बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सीरीज बोर्ड के लिए एक कॉमन वायर यूज करेंगे, रेड, जो कि ये कॉमन वायर है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले टर्मिनल से एक 0.5-पिन सॉकेट में, फिर हम दूसरे वाले पॉइंट से न्यूट्रल ऑयल पॉइंट पे दे देंगे। ठीक है, और हम उसके बाद जस्ट एक वायर हम निकालेंगे इसको हम 5-पिन सॉकेट में देने के बाद। ठीक है, इसमें हम एक होल्डर में देंगे, ठीक है, जिससे कि होल्डर में एक वायर कंटिन्यू न्यूट्रल रहता है और एक हमारा सीरीज बोर्ड काम करने के लिए न्यूट्रल वाले पॉइंट से हम फेज वाले कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा जो सीरीज का काम पूरा हो जाए, परिपथ पूरा हो जाए, तभी तो इसे हम सीरीज बोर्ड कहेंगे। यदि हम इसको यहाँ ज्वाइंट नहीं करेंगे तो सीरीज बोर्ड नहीं होगा। तो दोस्तों यदि इस तरह हम 5-पिन सॉकेट से इसको जोड़ देते हैं होल्डर वाले स्विच से, और जैसे ही कि होल्डर से हमने इस पर कनेक्ट कर दिया 5-पिन सॉकेट से, अब देखिए हमारा सीरीज बोर्ड होके रेडी हो गया है, तैयार होके। तो दोस्तों अब हमें क्या बचा है, हमारा एक न्यूट्रल वायर और एक फेज वायर बचा है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप प्रॉपर ढंग से स्क्रू टाइट है, और इस तरह हम नीचे वाले पॉइंट से सीरीज बोर्ड कर दिए ऊपर वाले बोर्ड से। ठीक है, जैसे हम नीचे करेंगे वैसे ही हमारा ब्लफ डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, यदि हम ऊपर रखेंगे तो हमारा सीरीज बोर्ड का काम करेगा टू ए स्विच। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूट्रल ब्लैक वायर यूज कर रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रल का, और येलो वायर यूज कर रहे हैं हम फेज का। ठीक है, तो ये हमने न्यूट्रल वायर, जो कि न्यूट्रल वायर हमें होल्डर में कंटिन्यू रखना है और हमें कहीं न्यूट्रल वायर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो स्क्रू लगा के हम इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जस्ट उसके बाद हम लगाएंगे येलो वायर, क्या करेंगे हम टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट या बीच वाले भाग पे इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, उसका इंसुलेशन उतारेंगे सबसे पहले। इंसुलेशन हटाने के बाद हम प्लायर या साइड कटिंग प्लायर से, या आप वायर स्ट्रिपर उसके मदद से आप हटा सकते हैं। उसके बाद हम बीच वाले वायर से लगा देंगे। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे वायर को, कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका स्क्रू प्रॉपर ढंग से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब देखिए ये लगभग हमारा बोर्ड ओके बन के रेडी तैयार हो चुका है। एक बार वेरीफाई करेंगे हम अपना प्रॉपर ढंग से कनेक्शन। ठीक है, देखिए नीचे वाले पॉइंट से हमारा सीरीज का काम कर रहा है, और ऊपर वाला फिर जो पॉइंट है वो हमारा लैंप को प्रॉपर ढंग से कंटिन्यू जलने के लिए है। ठीक है, इसका वायर हम नीचे से निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारा वुड बन के रेडी हो चुका है, अब आइए हम इसकी टेस्टिंग की बारी। ठीक है, तो टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले 100 वाट का लैंप लोड जिसे बोलते हैं उसको लगाएंगे, और लैंप लगाने के बाद अब हम इसको प्लग नीचे डाउन करेंगे तो लाइट चालू हो जाएगा, कंटिन्यू बल्ब जलेगा। जिसे हम नीचे बल्ब स्विच ऑन करेंगे तो कंटिन्यू बल्ब जलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको दिखाई दिया था उसमें कनेक्शन करते समय, और ऊपर करेंगे तो हमारा ये सीरीज का काम करेगा। ठीक है, सीरीज में क्या है, हमें एक लूप चाहिए, लूप की आवश्यकता पड़ती है, या आप टू पिन टॉप से बना सकते हैं दो वायर लेके। आइए हम एक नॉर्मल वायर से चेक करते हैं, आप करके आपको दिखा देते हैं सीरीज बोर्ड। देखिए सीरीज बोर्ड होके रेडी चुका है। यदि आप कोई भी उपकरण यूज करते हैं तो आप इस तरह आपका लैंप जलेगा और उसकी टेस्टिंग प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। यदि आप टेस्टिंग कर चुके हैं, अब यदि आपको कंटिन्यू जला के रखना लैंप,
तो इस तरह आप नीचे वाले स्विच को ऑन कर देंगे तो आपका ये लैंप हमेशा कंटिन्यू जलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो में आपको बताया था टू वे स्विच से आप किस तरह बल्ब कंटिन्यू जला सकते हैं और स्विच बोर्ड बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप टेक्निकल स्विच पर बने रहिए, फिर एक मैं नया टेक्निक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।